केदारनाथ सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया जो मैंने अभी सुना। आप बताइए 228 किलो सोना को छोटी मोटी रकम होती है, छोटी मोटी कोई उसका वजन होता, कहाँ चोरी होगा। आप पर्यटन मंत्री हैं और चूंकि आप पर्यटन मंत्री हैं तो आप ही शासन हैं और आप कह रहे हैं कि जांच जो है वो शासन में है। मैंने उसी समय कमिश्नर गढ़वाल से जांच कराई थी, जांच की रिपोर्ट आने वाली है, शासन में गई है, शासन हमें भेज देगा, जांच की रिपोर्ट आपके आगे हम सार्वजनिक। पहले तो बहुत मुखर थे और जिस समय ये हुआ करीब एक साल से ज्यादा का समय हो गया, सवा साल हो गया। कांग्रेस तो कुछ ना कुछ बोलना है, उनको झूठ सच बोलना है। माननीय पर्यटन मंत्री जी कांग्रेस की तरफ अब जो है रुख कर रहे हैं इस बात का और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसको जो है अनावश्यक रूप से उठाया। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुदियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना मामले की जांच को लेकर सवाल किए। उन्होंने इस पूरे मामले में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया। दानदाता को ही पूरे मामले में असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने पर सवाल उठाए हैं। गणेश गुदियाल ने कहा कि एक साल से जांच चल रही है लेकिन उसकी रिपोर्ट कहाँ है, उस पर कोई भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि जांच शासन में है। गुदियाल ने ये भी कहा कि महाराज बताएं कि मंत्री से बड़ा कौन सा शासन होता है, क्योंकि मंत्री ही असल शासन होता है। ऐसे में मंत्री को कैसे पूरे मामले की जानकारी नहीं है। ये साफ है कि पूरे मामले को छुपाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीकेटीसी अध्यक्ष ने खुद दावा किया था कि केदारनाथ में सोना आ रहा है, उसकी सुरक्षा की भी मांग की थी। बाद में बीकेटीसी की ओर से गुमराह करने को कहा गया कि 23,000 ग्राम सोना है। सोना एक हफ्ते में कैसे तांबा और पीतल में बदल गया, इसका कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले इसकी जानकारी मंदिर समिति को ही मिली थी। इन तमाम उठे विवादों पर पर्यटन मंत्री ने जांच का दावा किया था। ये जांच आज एक साल के बाद भी सार्वजनिक नहीं की जा रही है। सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया जो मैंने अभी सुना। आप बताइए 228 किलो सोना को छोटी मोटी रकम होती है, छोटी मोटी कोई उसका वजन होता, कहाँ चोरी होगा। केदारनाथ सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया जो मैंने अभी सुना। माननीय पर्यटन मंत्री जी इस प्रकरण में पहले तो बहुत मुखर थे और जिस समय ये हुआ करीब एक साल से ज्यादा का समय हो गया, सवा साल हो गया, जिस समय ये घोटाला हुआ उस समय तो काफी मुखर थे और उन्होंने बहुत जोशीले अंदाज में इस बात को कहा था कि कमिश्नर स्तर की जांच बिठा रहा हूं मैं और मैं कमिश्नर स्तर की जांच कर एक महीने में इसकी रिपोर्ट तलब करूंगा। बहरहाल माननीय पर्यटन मंत्री जी आपका वो एक महीना अभी तक नहीं आया और अब भी आपने ये बात कही है कि शासन स्तर पर वो जो जांच है वो शासन स्तर में है, शासन पे है। मैं ये पूछना चाहता हूं नंबर एक कि शासन आपके अलावा और कौन है शासन। आप पर्यटन मंत्री हैं और चूंकि आप पर्यटन मंत्री हैं तो आप ही शासन हैं और आप कह रहे हैं कि जांच जो है वो शासन में है, तो आपके अलावा और कौन उस विभाग में शासन है, कृपया ये भी आप जो है जनता को बता दीजिए। माननीय पर्यटन मंत्री जी कांग्रेस की तरफ अब जो है रुख कर रहे हैं इस बात का और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने इसको जो है अनावश्यक रूप से उठाया। मेरे कुछ प्रश्न है माननीय पर्यटन मंत्री जी से, मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप में वो इन प्रश्नों का उत्तर देकर पब्लिक डोमेन में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखेंगे। नंबर एक प्रश्न है, क्या माननीय पर्यटन मंत्री जी इस बात से अनभिज्ञ हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष जो कि सोशल मीडिया में और टीवी चैनलों के माध्यम से इस बात को उस समय कहे हैं कि ये 300 किलो सोना आ रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए हमने जांच सुरक्षा एजेंसियों को लिखा है, क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है, नंबर एक बात। नंबर दो बात, क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है कि जब वो 300 किलो सोना जो आना था, वो 300 किलो सोने की जो बात थी कि 300 किलो आना था, उसके बाद वो इस बात से अनभिज्ञ है कि मंदिर समिति के द्वारा जब ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई तो मंदिर समिति के द्वारा उस 230 किलो को 23,000 ग्राम करके कहा गया, क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है कि ये 23,000 ग्राम लोगों को गुमराह करने के लिए कहा गया ताकि आम आदमी इसको 230 किलो ही समझे, क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है। क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है कि सोना, जिस सोना सोने के लिए मिसाल दी जाती है कि सोने जैसा खरा, तो सोना क्या एक हफ्ते में पीतल बन जाता है, तांबा बन जाता है
और वहां पर जो तांबा और पीतल वो सोना हुआ, तथाकथित रूप में जो सोना था वो तांबा और पीतल जो हुआ, वो क्या कांग्रेस के लोग गए थे उसको उजागर करने के लिए? वो उजागर वहां के तीर्थ पुरोहितों ने किया क्या? इस बात से माननीय पर्यटन मंत्री जी अनभिज्ञ हैं? अगर अनभिज्ञ हैं तो उसको स्वीकार करें, और विज्ञ हैं तो उन्हें कहना चाहिए कि भाई ये कैसे सोना जो है वो तांबा हो गया या पीतल हो गया, कैसे हो गया, इसको भी उन्हें कहना चाहिए। इसके अलावा तमाम जो बातें सरकार छुपाना चाहती है वो ये है, स्पष्ट रूप में मेरा आरोप ये है जिसकी की जांच होनी चाहिए, ये मिली भगत है कुछ लोगों के जो मंदिर समिति के वरिष्ठ वो रहे होंगे, जो वरिष्ठ पदों पर रहे उनकी और उस दानदाता की, ये दोनों की मिली भगत है। और माननीय पर्यटन मंत्री जी कह रहे हैं कि जो डोनर है उसने कोई कंप्लेंट नहीं की। माननीय पर्यटन मंत्री जी यही तो हम कह रहे हैं कि डोनर ही बेनिफिशरी है, हम और कह क्या रहे हैं, डोनर ही बेनिफिशरी है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि वहां 230 किलो आया और चोरी हो गया, हम ये कह रहे हैं कि 230 किलो का हल्ला करके वहां 230 किलो आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं। वो जो आया वो सोने की पॉलिश थी जो तावे पे कराई गई और कुछ दिनों में निकल गई, और आप अभी भी वहां जाके देखिए जो बाकी के पॉलिश वहां बची हुई है वो सिर्फ इस रूप में बची, इसलिए बची हुई है कि वहां पर एक्रेलिक की सीट लगा दी गई है ताकि वो निकले नहीं। तो कृपया आप इस बात का संज्ञान लीजिए। और जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस इस समय विपक्ष में है, कांग्रेस विसल ब्लोवर की भूमिका में है। अगर कुछ गलत है तो हम सीटी बजाते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी उस सीटी पे आप चौकन्ना होकर इसकी जांच करें। बहरहाल आपकी जांच एक सवा साल से अभी तक नहीं हुई, और जो हुई भी है वो शासन स्तर में है। अब आपके अलावा कौन शासन है ये परमात्मा ही जाने।